भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इस मैच के पहले दिन साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था, लेकिन टीम इंडिया के गेंदबाजों के सामने साउथ अफ्रीकी टीम मात्र 286 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। साउथ अफ्रीका को सस्ते में समेटने के बाद भारतीय पारी की भी शुरुआत कुछ खास नहीं रही और मात्र 92 के स्कोर पर टीम इंडिया ने अपने पहले 7 विकेट गंवा दिए थे। लेकिन टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर बल्ले से कमाल दिखाया और उन्होंने अपनी टीम को खराब स्थिति से निकालने में मदद की। हार्दिक पांड्या के साथ साथ यहां भुवनेश्वर कुमार की भी तारीफ करनी होगी, क्योंकि उन्होंने 86 गेंदों में 25 रन बनाकर हार्दिक पांड्या के साथ 8वें विकेट के लिए 99 रनों की शानदार साझेदारी की। हार्दिक पांड्या ने वनडे के अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए मात्र 95 गेंदों पर 93 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें उन्होंने 14 चौके और एक छक्का भी लगाया। हालांकि पांड्या को अपनी पारी के दौरान 2 जीवन दान भी मिले, एक बार स्लिप में उनका कैच टपका तो दूसरी बार वो स्टंप आउट होते होते बचे, लेकिन इन जीवनदान का उन्होंने बाखूबी फायदा उठाया और अपनी टीम को संकट से निकाला। पांड्या के आउट होने के बाद टीम इंडिया जल्द ही सिमट गई और मात्र 209 रन ही बना सकी, और इस तरह साउथ अफ्रीका को पहली पारी के आधार पर 70 रनों की अहम लीड मिली। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक साउथ अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी में भी 65 के स्कोर पर 2 विकेट गंवा दिए। दिलचस्प बात यह है कि बल्लेबाजी में कमाल दिखाने के बाद साउथ अफ्रीका के ये दोनों विकेट भी हार्दिक पांड्या ने ही चटकाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। क्रिकेट के ऐसे और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए।